सो हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हम हमारे ऑडियो और वीडियो से नॉइस कैसे कैंसिल कर सकते हैं। अब नॉइस क्या होता है कि अगर आप वॉइस ओवर करते हो और कहीं पर शूट करते हो तो आपके बैकग्राउंड में जो मतलब अननेसेसरी साउंड होता है उसको हम इस वीडियो में रिमूव कैसे करना सीखेंगे। अब वो आपको मैं बता देता हूँ कि पहले आप कम से कम वॉइस के प्लेस पर अपना शूट करें और कम से कम नॉइस आपके वीडियो में आनी चाहिए। इसके बाद भी अगर मतलब नॉइस आती है तो उसको कैसे कम कर सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले। तो आप अगर इंटरेस्टेड है तो वीडियो लास्ट तक देखना। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आपको यहाँ पर बहुत ऐसे जेन्युइन कंटेंट देखने को मिलते हैं, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर आपको आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो आपको नॉइस रिड्यूस करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, उसका नाम है ऑडासिटी। एक फ्री सॉफ्टवेयर है, आप उसको गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। मैं नीचे उस सॉफ्टवेयर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने पहले से ही यहाँ पर एक ऑडियो सैंपल रिकॉर्ड करके रखा है, पहले आप उसे सुनिए। सो हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हम हमारे ऑडियो से कैसे नॉइस को कम कर सकते हो। तो ये हमारा ऑडियो है, इसमें आपको सुनाई दे रहा होगा अगर आपने हेडफोन पहना है तो आपको मतलब बैकग्राउंड में बहुत सारा नॉइस देखने को मिलता है। तो आप इसको कैसे रिमूव कर सकते हो, तो पहली स्टेप आपको पहले के 2-3 से 4 सेकेंड आपको यहाँ पर ऐसे ही रख देना है, इसमें आपको नॉइस को आने देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ से उस नॉइस को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। इफेक्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पर नॉइस रिडक्शन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करने के बाद गेट नॉइस प्रोफाइल पर क्लिक करना है। अब हमने सॉफ्टवेयर को बता दिया कि वो हमारे जो सिलेक्ट किया हुआ पार्ट है वो नॉइस है। इसके बाद आपको पूरा क्लिप सिलेक्ट करना है। आप कैसे कर सकते हो, या आप राइट क्लिक करके पूरा कर सकते हो और कंट्रोल ए भी दबा कर कॉपी कर सकते हो। वो करने के बाद आपको फिर से इफेक्ट्स में जाना है। इफेक्ट्स में जाने के बाद आपको फिर से नॉइज सिलेक्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये तीन ऑप्शन मिलेंगे, नॉइज सिलेक्शन, सेंसिटिविटी और फ्रिक्वेंसी। आपके हिसाब से यहाँ पर आपको मतलब आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको प्रीव्यू का ऑप्शन दिखेगा, अगर आप पहले प्रीव्यू देखेंगे वो कैसा परफॉर्म करता है तो यहाँ पर आपको प्रीव्यू का ऑप्शन भी मिलेगा। उसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमारा नॉइस मतलब रिड्यूस हो गया। आप पहले सुनिए। सो हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हम हमारे ऑडियो से कैसे नॉइस को कम कर सकते हो। तो हमारा अच्छी तरह से नॉइस रिडक्शन हो चुका है। अगर आपका नॉइस रिडक्शन होने के बाद साउंड थोड़ा सा मेटालिक सा मतलब आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको जाना है मतलब आपको क्लिप को सिलेक्ट करना है कंट्रोल ए से। आपको जाना है इफेक्ट्स में। इफेक्ट्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर फिल्टर कर्व का ऑप्शन मिलेगा, उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कर्व को एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद आप प्रीव्यू में देखेंगे आपका मतलब वॉइस कैसा परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह से आप अपना नॉइस रिडक्शन और सभी यहाँ पर आप देख सकते हो ग्राफ ऊपर नीचे हो चुका है, मतलब मेटालिक सा साउंड नहीं करेगा। तो ऐसे ही हम हमारे वीडियो और ऑडियो से नॉइस रिडक्शन कर सकते हो। तो मैंने इस सॉफ्टवेयर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो इसी ही मज़ेदार वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।